आगे बढ़ते हैं। विवेक मित्तल इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका करते हैं जरा स्वागत और जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि आज हम 11:30 बजे क्रिप्टो का शो भी एक लेके आने वाले। तो विवेक जी से जल्दी से अपडेट लेते हैं, फिर उनके नए शेयर्स लेते हैं, ज्यादा समय बचा नहीं, 8-10 मिनट ही है। विवेक जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले आप मेरे को जल्दी से अपडेट दे दीजिए ताकि कोई मिस ना हो, फिर हम नए शेयर्स पे आएंगे और आज थोड़ा स्पीड से करेंगे सर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है डीपी जी। और देखिए जो मैंने कल शेयर्स दिए थे उसमें एक तो मैंने इंफोसिस पर लगातार बात कर रहा हूं मैं, तो इंफोसिस में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो इसको होल्ड कर चले। हमारा जो टारगेट है वो 1470 से 75 की रेंज का है, तो अभी ये चलना शुरू है, होल्ड करें, वेट करें और एंजॉय करें। और नए वाला भी आ सकता है सर, नया अंदर आ जाए, नया अंदर आ सकता है, बट बाय ऑन डिप्स के माइंड के हिसाब से चले फिर, क्योंकि ब्रेकआउट तो दे दिया है शेयर ने आज 1416 के ऊपर। इसकी क्लोजिंग अगर होती है तो बहुत शानदार क्लोजिंग मानी जाएगी और ये 1470 से 75 जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट शेयर। नेक्स्ट शेयर एक डीपी जी मैंने कल भारतीय एयरटेल दिया था, होल्ड करें, वेट करें, और 534 के नीचे की क्लोजिंग नहीं हुई है तो अभी इसमें वेट करें, और 555 का टारगेट इंटैक्ट है। काउंटर आज दोबारा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वेट एंड वॉच। एक तीसरा मैंने यस बैंक दिया था, कोई नया अंदर एंटर कर सकते, करना चाहिए, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार लगे फिर स्टॉप लॉस भी बता दो नए वाले का। 534 ही है, 534 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो आप निकल जाइएगा। ठीक है, 534 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो फिर इसमें से आपको निकलना है, अदरवाइज आप इसको होल्ड ही करके चलो और ये चल सकता है वापस। भारतीय एयरटेल के अंदर नए वाले भी आ सकते हैं सर। थर्ड शेयर, थर्ड शेयर डीपी जी एक डेन नेटवर्क था जो हमने याद होगा आपने 43 पर बात की थी। इसमें पहला टारगेट था हमारा 50 से 53 की रेंज में और दूसरा टारगेट था हमारा 58 से 60 की रेंज में, तो आज अभी ये 60 के आसपास आ गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें सेकंड फेज का जो प्रॉफिट है वो बुक करें। एक लास्ट ट्रांच जो हमारी रहेगी उसको होल्ड करें और उसका मैं टारगेट आपको रिवाइज करूंगा, वो शायद लंबा टारगेट बैठेगा। बहुत बढ़िया, आपका डेंडर फेक बहुत अच्छा चला और ये मेरे को ध्यान है 43 से यहाँ पे हमने बताया था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का साइडवेज होगा और यहाँ से चलेगा। आप देखो 44 रुपए वाला शेयर 60 रुपए का हो गया, क्या किया, कुछ भी नहीं, बहुत बेहतरीन शेयर है ये। 20 मई को इसकी कीमत 43 रुपए थी, आज हम 10 जून भी नहीं हुए हैं, 10-20 दिन हुए हैं और आपको एक शानदार प्रॉफिट इसके अंदर जोरदार मिला है। ठीक है सर, डन। सेकंड फेज का प्रॉफिट भी इसमें से बुक कर सकते हैं एंड स्लाइटली थोड़ी बहुत पोजीशंस रखना चाहे तो रख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर सर, नेक्स्ट शेयर में डीपी जी जो डेन नेटवर्क में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसका पैसा आप हैथवे में डाल दीजिए। हैथवे ब्रेकआउट कल ही दे चुका है 26.65 के ऊपर और अभी भी 26.75 के करीब चल रहा है कोई, और आज अभी तो वैसे कल की क्लोजिंग के हिसाब से नेगेटिव भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ से 30 रुपए और 37 रुपीज ये दो टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। छोटी अवधि वाले जो लोग हैं हो सकता है एक आध दिन में ही इसको 30 रुपए का मिल जाए और बाकी फिर 37 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। ठीक है, पहला टारगेट 30 रुपए का, दूसरा टारगेट 37 का। स्टॉप लॉस वैसे तो कुछ लगाएंगे नहीं आप, लेकिन फिर भी अगर लगाना चाहे सर 22 रुपए का दे सकते हैं। देखिए 22 रुपए का दे दीजिए, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए, मतलब 24 रुपए तक भी आए तो इसको बाय करना चाहिए। और इनफैक्ट मैंने जब डेन का बात करी थी तो हैथवे पर भी बात की थी, उस समय 24 रुपए चल रहा था, तो ये तो मैं आज और एक एग्रेसिव बाय दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ब्रेकआउट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हैथवे के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि स्टॉप लॉस रखना है तो एक बार वो 22 तक का रख ले, अदरवाइज तो सर की जो रिकमेंडेशन है वो तो यही है कि आप किसी भी डिप में इसको भरते ही जाओ, लेते ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट 30 है एंड देन टारगेट इज 37। 22 का फिर भी हमने एक स्टॉप लॉस दे दिया कि जिसको थोड़ा डर लगता हो तो 22 का एक बार स्टॉप लॉस भी रख ले। ठीक है सर, और कोई और शेयर सर? डीपी जी एक यस बैंक पर हमने कल बात की थी, यस बैंक में कल ही मूव देखने को मिला, 14.20 रुपए के ऊपर बंद हुआ, फिर 14.80 की भी रेंज को पार किया इसने, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर यहां से अभी भी जिनके पास है चलेगा और 16.70 रुपए और ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा और जो लॉन्ग टर्म टारगेट होगा करीब 21 से 22 रुपए होगा, सो वेट एंड वॉच। ठीक है, तो अभी होल्ड करके रखे, नए वाला भी आ सकता है ना सर? नया वाला आ सकता है लेकिन उसको 14.20 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगर 14.20 रुपए का दे देंगे, 14.20 रुपए का एक स्टॉप लॉस दे देंगे नए वाले को भी अंदर एंटर करना है तो, और उसका भी टारगेट सर 20 रुपए है।
उसके लिए देखिए ₹16.70 तो सभी के लिए ट्रेडिंग वाला टारगेट, और जो इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट है वो ₹21 का है, ठीक है, वो ₹21 का। तो हम एक काम करते हैं, ₹16.50 और ₹21 दो टारगेट डाल देते हैं, और यहाँ पे ₹14.20 स्टॉप लॉस डाल देते हैं। तो ये येस बैंक के लिए फिक्स हो जाएगा कि ₹14.20 से नीचे टिकना नहीं है। पहला जो खेप है वो ₹16.20 पे जाएगी, और दूसरी खेप जो प्रॉफिट की बुक होगी वो करीब करीब ₹21 के आसपास होगी येस बैंक की। ये स्टॉप लॉसेस हमने सर नोट करवा दिए, ₹14.20, ₹16.20 और ₹21 आपके दो टारगेट हो गए। येस बैंक बाय कॉल है, जिसको आना है वो आ भी सकता है। सर कुछ और बताना चाहते हैं आप? नहीं डीपी जी, बाकी सभी शेयर्स अपने अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीएल बैंक में ब्रेकआउट बार बार 217-18 तक आता है, ये फिर उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। जिनको निकलना है निकल जाइए, मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 240 का है। हमने 210-12 के आसपास कॉल दी थी, वेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये फ्यूचर कॉल थी, इसलिए मैं ज्यादा लंबे समय रख पाना नहीं चाहता। सो जिनको प्रॉफिट बुक करना है अपना करें, ठीक है सर। वैसे आज को नया शेयर आप देना चाहते हो कि वो हैथवे के अंदर ही शिफ्ट हो जाए? देखिए हैथवे है एक शेयर, और एक शेयर अगर आपको और देखना है डिप्पी जी तो वो रहेगा अरविंद लिमिटेड का। अरविंद लिमिटेड में दोबारा देख लीजिए, देखिए अरविंद लिमिटेड हमने पहले भी दिया था 78 पर और 83 का टारगेट दिया था, वो अचीव हुआ था। अभी मुझे लगता है ये शेयर यहाँ से करीब करीब दोबारा चलेगा, और इस बार आप इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखें 90 से ₹93 के बीच में, ठीक है। तो यहीं पे ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर, ये भी बता दो लगे हाथ फिर आप? देखिए स्टॉप लॉस मैं तो यही बोलूंगा कि इसको बाय एट डिप्स करना है, लेकिन फिर भी आप अगर इसमें कोई स्टॉप लॉस लेना ही चाहते हैं तो ये अगर 76 के नीचे क्लोज होता है तो आप एक बार निकल जाइए। 75-50 का देने स्टॉप लॉस? बिल्कुल 75-50 दे दीजिए, और फिर हम इसको आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे। 93 का इसके अंदर टारगेट दे रहे हैं सर, ₹75.50 का इसका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपने इसको बता दिया कि इसको ले लेना, यहाँ पे भी लेना चाहो तो यहाँ पे भी ले लो, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। ₹75.50 का स्टॉप लॉस, ₹93 का टारगेट है, और ये अरविंद लिमिटेड का एक शेयर आपकी स्क्रीन पर आ गया। 90 से लेकर 93 तक का टारगेट और ₹75.50 का स्टॉप लॉस। अरविंद आज आपकी एक नई कॉल है, हैथवे के अलावा आप इंफोसिस पे भी पोजीशंस बना के रखो, ये भी अच्छे से चल सकते हैं। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज जल्दी सारे ट्रेड बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।